रामनवमी के अवसर पर गुरुवार को इंदौर के अभय खेल प्रशाल में पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल के द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। इस भजन संध्या में 15,000 नागरिक एक साथ भगवान राम की भक्ति करेंगे। इस आयोजन में मेरा भोला है भंडारी भजन से प्रसिद्ध हुए गायक हंसराज रघुवंशी प्रभु श्री राम के भजनों की प्रस्तुति देंगे। रामनवमी के पर्व पर शहर का सबसे बड़ा और विशाल कार्यक्रम अभय खेल प्रशाल में आयोजित किया गया है। पत्रकारों से चर्चा में पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल ने बताया कि गीता रामेश्वरम ट्रस्ट के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के अंतर्गत आने वाले सभी वार्ड और बस्ती से नागरिक अभय खेल प्रशाल में पहुंचेंगे। इस आयोजन में भाग लेने के लिए नागरिकों को घर घर जाकर निमंत्रण दिया गया है। हर घर में आयोजन का आमंत्रण पत्र वितरित किया गया है। इसके साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में नागरिकों की बैठक लेकर यह संदेश उन तक पहुंचा दिया गया है कि रामनवमी के पर्व पर भगवान राम का जन्मोत्सव हम सभी एक साथ मिलकर मनाएंगे। उन्होंने बताया कि आयोजन 30 मार्च को शाम 6 बजे से प्रारंभ होगा। इस कार्यक्रम में प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर बैठक व्यवस्था रखी गई है। यह पहला मौका है जब श्री रघुवंशी के द्वारा इंदौर में इतने भव्य परिणाम पैमाने पर राम भक्ति के भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। नागरिकों की सुविधा के लिए अभय खेल प्रशाल के बाहर 4 मेगा स्क्रीन के माध्यम से भी नागरिक अभय प्रशाल के अंदर चल रहे कार्यक्रम को लाइव देख सकेंगे। भजन संध्या आदरणीय रघुवंशी जी की होने जा रही है, उसमें मैं आप सबके माध्यम से आम जनता तक बात पहुंचे कि हमने जो कार्ड बांटे हैं पूरी शहर में और विधानसभा में अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे हैं, उसमें हमने पास में ये व्यवस्था रखी है कि प्रथम आए प्रथम पाए, और अधिक लोग अगर आ जाते हैं तो हमने बाहर LED की व्यवस्था की है, जिसमें 5,000 से 10,000 लोग वहाँ पर भी दो साइड पर देख सकेंगे और सुन सकेंगे। और साथ ही हमारा पूरा गीता रामेश्वरम ट्रस्ट द्वारा ये रामनवमी के मीडिया को जो पास देना है, मीडिया की हमने गैलरी अलग की है, वो अभी ही हम वितरण कर देंगे। जो ले जाएंगे कोई तो छोटे मोटे फिर कल कर लेंगे। तो उसमें एक तो ये है कि आपकी हमने गैलरी ये साइड ही की है ना, राइट, ये एकदम ये साइड ही पूरी अलग ही होगी, और उसमें कोई हमसे भूल हो तो वो सुझाव आप दे देंगे, उसको हम सुधार लेंगे। और कल आप सब आमंत्रित हैं, और कोई भी कमी लगे तो आप जरूर बता दें, हम सब मिलकर इस कार्यक्रम को बढ़िया तरीके से आप हम आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। ऐसा कुछ नहीं भाई साहब, और मैं तो जानता हूँ जिसके आपने नाम लिए, हम सिर्फ भोलेनाथ जी को जानते हैं, उनसे बड़ा सेलिब्रिटी कोई नहीं है, और सेलिब्रिटी कुछ नहीं होता है, हम भजन गाने वाले गायक हैं उनका, और गायक नहीं मानते हम तो गुणगान करते हैं उनका, और सेलिब्रिटी वाली कोई बात नहीं। और सेलिब्रिटी तो देखो हमारे चाहने वाले अगर हमें सुनेंगे नहीं, अगर हमें उस मुकाम तक नहीं पहुंचाएंगे तो हम काहे के सेलिब्रिटी हो, हमारे चाहने वालों ने हमें पहुंचाया है, अगर हम फिर ऐसा महसूस करें कि हम सेलिब्रिटी है तो वो गलत बात है। नहीं 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 देखो भोलेनाथ है, हम सोचेंगे अभी कि हम क्या करेंगे फ्यूचर में, तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि पहले से प्लान है, वो भोलेनाथ को पता है जो होगा वो सब जानते हैं, अपना कोई इच्छा नहीं। थैंक यू सो मच। अगर प्रसन्न चिन्ह अभी भी लगाएंगे तो वो गलत है वैसा, क्योंकि हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, हमारे जो कार्य है, हमारे जो कर्तव्य है भगवान के लिए, जो भी हम करते हैं वो हमारी वो अपनी संस्कृति है, वो हमें बड़े पुराने टाइम से चल रहा है, तो अगर उसको छेड़ेंगे कि ये ऐसा ऐसा क्यों कर दिया, तो ऐसे कई धर्म हैं जो जिसमें कुछ और भी तरीके से कार्य होते हैं, तो उनको भी रोका जाए ना, और अगर हमारे धर्म के लिए कुछ गलत कहेंगे तो वो फिर गलत होगा, फिर चाहे उसमें मैंने गाना गाया होगा अगर गलत दिखाया होगा तो वो फिर गलत है, उसके खिलाफ मैं।